हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। गाइस, जो है कि मैं अभी महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर था और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। आज 1 जनवरी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इधर पब्लिक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इतना बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है मेरे पीछे। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि आज के ब्लॉग में जो है मैं एलिफेंटा जाने वाला हूँ। गाइस, जो एलिफेंटा है वो है मुंबई से थोड़ा दूर है, और वहाँ पर जाने के लिए शिप वगैरह चलती हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप कभी एलिफेंटा नहीं गए हो तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा जर्नी बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे जाएंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। गाइस, मुझे अभी एलिफेंटा जाना है, और उसके लिए जाने के लिए मेरे को अभी चर्चगेट स्टेशन जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से चर्चगेट स्टेशन के बाद फिर मेरे को कुछ ऑटो वगैरह से गेट ऑफ इंडिया पहुँचना पड़ेगा। फिर वहाँ से चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई मामो, सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। तो गाइस, मैं चर्च के स्टेशन के बाहर आ चुका हूँ। जैसे आपको एलिफेंटा जाने के लिए सबसे पहले चर्चगेट स्टेशन आना पड़ेगा, और उसके बाद गेट ऑफ इंडिया, और गेट ऑफ इंडिया से आपको वहाँ पे जाने के लिए शिप मिलेगा एलिफेंटा जाने के लिए। तो मैं चर्चगेट स्टेशन के बाहर हूँ अभी, मेरे को ऑटो से जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो चलिए ऑटो से चलते हैं और देखते हैं कि हाय गाइस, 11/22 शाबाश बेटा। गाइस, मैं गेट ऑफ इंडिया आ चुका हूँ अब, जहाँ से मेरे को शिप मिलेगा एलिफेंटा जाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे चल के देखते हैं। और गाइस, मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, पीछे ताज होटल है, और एक ये है ताज होटल, ये ताज होटल है। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाए, हम पर ये करम फरमाए। ये शाम का दिलकश मंजर, ये साहिल और समंदर, कहते हैं आप न जाए, हम पर ये करम फरमाए। सुनिए तो, कहती है पलखाती लहरें, आप जरा कुछ देर तक ठहरे, सुनिए तो।
किए तो क्यों है खफा हर कहिए तो ऐसी क्या जल्दी जाने की दीवाना तू माना सुनिए दीवाने की